Hello everyone, I am Krishna, wishing you a very happy Holi. ये वाला lecture है The Hindu and Indian Express in 5 minutes के लिए. तो this is a special course, course fees 500 rupees. Course YouTube पर free है, PDF के लिए आपको paid course join करना होता है. और ये part है आपका prelims और mains classroom course 2020-21 दोनों के लिए. सारे options में provide किया हुआ है ये course. और टेस्ट सीरीज़ का भी पार्ट है. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में दोनों कोर्स इंक्लूडेड है, 2020 और ये वाला भी, मेंस और एसए में भी इंक्लूडेड है. ठीक, 9th और 10th मार्च का जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो करंट अफेयर्स के नाम पर इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था. करंट तो नहीं, पहली बार न्यूज़ में पढ़ा है इसलिए करंट हो गया. ठीक है, वन समथिंग इज़ नोन एज तलसरी या तालसरी विद्रोह 1945 में हुआ था. वर्ली ट्राइब्स ने किया था. वर्ली ट्राइब्स है आपकी महाराष्ट्र में रहती हैं, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर. तो इसकी जो लीडर थी गोदावरी परुलकर, कर मीन्स मराठी लोग हो गए. ऑलमोस्ट एवरी ट्राइबल, होता क्या था जितने भी वहाँ ट्राइबल्स थे इस एरिया में, उनको एक बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था. जिनको अपर कास्ट मराठी लोग या फिर पारसी लैंडलॉर्ड्स, इनको बिल्कुल एक इस तरह से ट्रीट करते थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट ओन कर लिया, स्वामित्व रख लिया. ठीक है, तो फाइनली लोगों ने मना कर दिया था कि हम आपके खेत में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप हमें एक दिन में 12 अन्न नहीं दोगे, मतलब 12 लोगों का खाना एक दिन में नहीं दोगे. फैमिली भी चलानी होती थी ना. तो ये पहले सीट्स हैं राइट बेस्ड मूवमेंट के, जो प्रीलिम्स और मेंस में आपको पढ़ना होता है राइट बेस्ड इश्यूज़. देन मरक्कर्स या मरक्कस, ये लोग क्या होते थे 16th और 17th सेंचुरी में, जैमोरिन ऑफ कैलिकट के नेवल चीफ्स होते थे. ये गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट पोर्तुगीज, इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था. देखो पोर्तुगीज़ के पास क्या होता था, बड़े शिप्स होते थे, तो बड़े शिप्स की मैनूवरिंग टफ होती है, इजिली आप इनको इधर उधर घुमा नहीं सकते हो, पैंतरेबाजी नहीं कर सकते हो. इन लोगों के पास छोटे छोटे शिप्स होते थे, कहीं भी जाके इनकी उंगली करके आ जाते थे. देन नामदा या नुंदा या नुमदा ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो अभी मोदी जी ने 7 वुमेन को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सौंप दिया था. उनमें से एक थी अरीफा जन, कश्मीर की रहने वाली हैं. उसमें बहुत सारे नाम थे, आप अगर रटना चाहो तो मेंस के लिए लिख सकते हो. एक थी मान कौर, ये 103 साल की लेडी थी, इन्होंने 93 की एज में अपना एथलेटिक कैरियर स्टार्ट किया था. फाइन, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट इस एज में एथलीट हैं. ठीक, इसी तरह एक मशरूम लेडी हैं बीना देवी, इन्होंने मशरूम के लिए काफ़ी काम किया है. देन एक विजया पवार हैं, इन्होंने बंजारा कम्युनिटी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट किए हैं. बंजारा आप जानते हो मिडिवल टाइम में जो इधर से उधर ट्रेड करते थे. ठीक है, देन एक कलावती देवी हैं, इन्होंने यूपी के कानपुर में तनपुरिया स्टाइल में बिल्कुल लोगों के दबंगई के साथ में टॉयलेट्स बनवा दिए. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको लिख सकते हो. देन कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, ये क्यों न्यूज़ में है, कुछ ऐसी स्टेम सेल कंपनीज़ हैं जो इमोशनल मार्केटिंग कर रही हैं, स्टेम सेल बैंकिंग की एग्रेसिवली. तो इसमें क्या है, मार्केटिंग कर रही हैं जबकि अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है. ICMR इसको रिकमेंड नहीं करता है कमर्शियल लेवल पे स्टेम सेल बैंकिंग के लिए. प्राइवेट स्टोरेज इस तरह के ब्लड सेल की बताई जाती है कि आप कर सकते हो, अगर आपका जो एल्डर चाइल्ड है उसको आप ऐसी सेल से ट्रीट कर सको और मदर नए बेबी को जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रही है. तो ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग होती क्या है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है, गर्भनाल, ये जो बच्चे की नाल से जुड़ी हुई जो भी ये ब्लड है इसको हम इकट्ठा करते हैं. दिस इज़ इट इज़ सोर्स ऑफ स्टेम सेल. ठीक है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम बहुत जगह से हो सकती है, बोन मैरो से हो सकती है, पेरीफेरल ब्लड सेल से हो सकती है, या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से भी हो सकती है. अननेसेसरी इसकी मार्केटिंग की जा रही है जबकि इसका ऐसा कोई इस्टेब्लिश्ड अभी तक वे आउट नहीं है. देन यस बैंक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें बहुत सारी कुछ टर्म्स आजकल न्यूज़ में आ रही हैं, एक्सपेक्ट करो आप यही पूछेंगे टर्म्स, ना कि यस बैंक के फाउंडर, इन सब का नाम नहीं पूछेगा. यस बैंक का PCR इट वॉज लो, प्रोविज़न कवरेज रेशियो. तो प्रोविज़न कवरेज रेशियो क्या होता है, ये मैप करता है किसी बैंक की एबिलिटी को उसके NPA से डील करने का. ठीक है, जितना ज़्यादा PCR होगा आपका बैड जो भी डेट्स हैं वो उतने ही कम अनएक्सपोज्ड होंगे. ठीक है, मतलब ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न मतलब प्रोविज़न. ठीक है, अगेंस्ट बैड लोन फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड. आपने सपोज़ 100 रुपये बैड लोन दे दिया या 100 रुपये लोन आप लोग वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने 50 रुपये या 5000 रुपये प्रॉफिट में से इसके लिए आप प्रोविज़न करोगे. दैट इज़ नोन एज प्रोविज़न कवरेज रेशियो. तो यस बैंक के केस में ये बहुत ही लो था. ठीक है, देन टीयर्स ऑफ कैपिटल, आप लगातार टीयर्स पढ़ते हो तो टीयर्स होते हैं कुछ कैपिटल या मनी जो बैंक में रखे जाते हैं. टीयर मतलब होता है हायरार्की या पदानुक्रम. एक होता है टीयर, देखो सबसे ऊपर होता है टीयर वन,
उसको हम कहते हैं टीयर वन कैपिटल। तो ये इक्विटी कैपिटल होती है। तो व्हाट इज़ दिस, ये मनी है, इसको AT1 भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, मनी पुट इन बाई द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक। कि ओनर मतलब मैंने बैंक खोला तो मैं 50 रुपये दूंगा, ठीक है, और आपसे मैंने 50 रुपये इक्विटी के थ्रू ले लिया, या मैंने कहा 60 रुपये मैं दूंगा, 40 रुपये मार्केट से उठाऊंगा। इट इज़ ट्रू फॉर बैंक एंड ऑल्सो फॉर एवरीथिंग, किसी भी कंपनी के लिए ट्रू है। सो दिस इज़ नोन एज इक्विटी कैपिटल। तो रिस्कीएस्ट कैटेगरी है भाई, अगर बैंक डूबा या कुछ डूबा तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि RBI ने ये कह दिया है कि 81 हम पूरा डुबो देंगे लोगों का, ठीक है, बिल्कुल, जिन्होंने 81 में इन्वेस्ट किया था वो सब अपना पैसा भूल जाएँ। देन दूसरे होते हैं बॉन्ड, इसमें 81 भी होता है और 82 भी होता है। बॉन्ड मनी के लिए 81 का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम नहीं करते हैं, 81 को यहाँ यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, बैंक फ्लोट करता है, आप जानते हो, बॉन्ड जो शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। 81, 82 हो गए, ठीक। देन 82 मतलब टीयर 2 हो गया, ठीक। देन डिपॉजिटर कैपिटल, ये इस हायरार्की में सबसे नीचे आती है, ठीक है। ये कैपिटल पार्क्ड इन सेविंग अकाउंट्स है, सेफेस्ट टाइप ऑफ कैपिटल है। पीछे चल रही होली तो लोग हल्ला कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, या तो लेक्चर ही सुन लो या फिर नॉइज़ कम करवा लो, ठीक। तो क्राइसिस पीरियड में क्या होता है, डिपॉजिटर्स को सबसे पहले पैसा दिया जाता है। मतलब आपने अगर बैंक में पैसा जमा किया है तो भले ही आपको 4% इंटरेस्ट मिले, नॉर्मल पीरियड में डिपॉजिटर अर्न्स द लोएस्ट, आपको 4% 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इक्विटी वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन क्राइसिस पीरियड में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। देन समथिंग इज़ नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल, या फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अधिकृत पूंजी, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, पूंजीकृत पूंजी, या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो ये सब चीज़ें होती क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है दैट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके लिए कंपनी शेयर इशू कर सकती है। मतलब अगर कंपनी 1000 करोड़ की है तो ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ की कैपिटल ले आए, ठीक है, शेयर्स ले, ऐसा नहीं होगा। कुछ शेयर्स आप फिक्स करोगे कि मगर अगर मेरी ये रजिस्टर्ड मैंने कंपनी की है 1000 करोड़ की, तो मैं 700 करोड़ के ही शेयर्स मार्केट से उठा सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल, और ये डिसाइड किया जाता है कंपनी के गठन से या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, ठीक, कंक्यूजियन सब्स्टिट्यूट, आपने वो ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि सपोज़ क्रिकेट खेलते हुए किसी के सिर पे बॉल लग गई तो उसको हम ये वाले सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक जो बैट्समैन थे, ही वॉज डाइड, ठीक। इसमें हेड और ब्रेन, आपके मतलब सर और दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, ठीक, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो ICC ने क्रिकेट मैच में रूल दिया कि इस तरह के सब्स्टिट्यूट आप दे सकते हो, लेकिन लाइक फॉर लाइक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खिला रहे हो विराट कोहली, जब बैटिंग का टाइम आया और सपोज़ विराट कोहली को चोट लग गई, तो आप बॉलिंग के टाइम में विराट कोहली के बदले बुमराह को रिप्लेस कर दो, आपको कोहली जैसा ही कोई बैट्समैन लाना पड़ेगा जो बॉलिंग करें। देन सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स UNDP देता है। ये कहता है कि ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट बायसनेस पूरी दुनिया भर में है, मैन में है, बट वुमेन खुद भी वुमेन के अगेंस्ट बायस्ड हैं, ठीक है। तो अब ये एक इशू है, आप इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हो, सोशल ऑप्शनल में यू कैन यूज़। देन UDIS या UDIS सर्वे, व्हाट इज दिस, एक्सप्लोर करता है KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन सर्वे। यूनिफाइड क्यों है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, सेकेंडरी का होता है, और डेमोग्राफिक डैशबोर्ड, तीनों चीज़ होती है। दैट्स वाई इसको हम यूनिफाइड या एकीकृत कहते हैं। इसको NIEPA डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप है, ये इसको रिलीज करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन देखते हैं रेड पांडा, या भी एम्बुलेंस पीछे से। तो आइकॉनिक एंड इंडेंजर्ड मैमल है, पहली चीज़ आपको याद रखना है, आइकॉनिक है, ठीक है, इंडेंजर्ड और मैमल है, ठीक है। हंटर्स इसमें इंटरेस्ट लूज़ करते जा रहे हैं, क्यों लूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि हिमालयन हैबिटेट में रहने वाले जो आजकल के लोग हैं, युवा पीढ़ियाँ, उनको एनिमल प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट नेटवर्क ट्रैफिक ने दी है। रेड पांडा, इसका अगर आप बायोलॉजिकल नेम देखो तो एलरस फलजेंस, जो भी पढ़ना हो, एलरस फंगस, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बताया, नॉर्मली ये सब रटने नहीं होते, लेकिन रेड पांडा क्या है, इस जीनस का पहला मतलब ओनली लिविंग मेंबर है। होता क्या है, बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम में क्या होते हैं, A+B ऐसे कुछ नाम होता है, होमो सेपियंस, ठीक। तो जो पहला वाला टर्म होता है दैट इज़ जीनस, और बी होता है उसकी प्रजाति, जैसे टाइगर है ना, ठीक है। तो लाइक टाइगर जो भी उसका होगा, कैटस फैमिली में होते हैं, ठीक, कैटस फैलिस, फैलिस मतलब हमारी जो छोटी बिल्ली, डोमेस्टिक कैट, ठीक है। बड़े वाले टाइगर का नाम कुछ होगा कैटस, और कुछ टाइग्रिस कुछ होगा ऐसे, ठीक। तो रेड पांडा इसका आखिरी लिविंग मेंबर है।
देन काली टाइगर रिजर्व उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, गोवा के पास है। बेट्टी कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है। ये दोनों इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ हुबली से कहीं के लिए एक रेल लाइन बिछाना चाह रहे हैं और उसको लेके डिस्प्यूट्स हैं। देन C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयर फोर्स का ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। मेंस इन 300 टॉपिक में यस बैंक क्राइसिस हम पढ़ेंगे। इसी लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आई विल टीच यू दिस अलग से सेपरेट लेक्चर में। तो एपिडेमिक्स के साथ आजकल आप देख रहे हो लॉकडाउन हो रहा है, लाइक चाइना ने पूरा वुहान बंद कर दिया, पूरा इटली का लॉकडाउन हो गया। तो जो चाइनीज स्टाइल लॉकडाउन है तो ये बहुत सी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, लेकिन इटालियन लॉकडाउन ने इकोनॉमी को सोशल इम्पैक्ट फॉर फुल ऑफ द यूरोप दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ऐसे वायरस तो आज या कल आते ही रहेंगे, तो लॉकडाउन करके तो कैसे ही काम चलेगा। ठीक है, इकोनॉमी की वैसे ऐसी तैसी हो रखी है तो फिर क्या ही करोगे। ठीक, देन COVID-19 हम देखते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिस्ट है ना, अवसरवादी। तो इंडिया के लिए एग्री एक्सपोर्ट्स COVID-19 की वजह से हो सकते हैं, अल्टरनेटिव दे सकते हो चाइना को, जैसे हनी, पोटैटो, सोयाबीन, मूंगफली। सोयाबीन आप जानते हो ना, मंचूरियन प्लेन में सोयाबीन पैदा होती है। मंचूरियन इज़ रीज़न ऑफ मंचूरिया प्लेन्स, उसी के नाम पर जो मंचूरियन बनते हैं उनको हम मंचूरियन खा लेते हैं। हरियाणा ने कोटा विद इन कोटा दिया है, तो इन्होंने क्या किया कि 20% सीट्स SCs के लिए रिजर्वड है, उस 20 में से 50% डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इनको रिजर्व कर दिया। दिस इज़ कोटा विद इन कोटा, दिस इज़ मच लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइक इफ़ यू कैन सी, लाइक एक रैंक वन है तो शी डजेंट इवन डिजर्व टू बी हैव दिस कोटा। वो वैसे भी रैंक वन ले आती, लेकिन अननेसेसरी उन्होंने एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा ली। सो दैट्स वाई जो रिजर्वेशन ने सबसे ज़्यादा लॉस किया है तो उन्हीं कैटेगरी के एफ्लुएंट लोगों ने किया है। तो इस तरह के कोटा जरूरी हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए दी है। इन्होंने कहा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप हैं, आपके लगभग आधे स्कूलों के पास पावर और प्लेग्राउंड ही नहीं है। तो पैनल ने रिकमेंड किया कि जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी जिसकी हेड थी पहले, ठीक है, वो कोलेबरेट करे मनरेगा के साथ में बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का के साथ बात करे सोलर एनर्जी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी होली, पीछे चल रहा है हुल्लड़, हैव अ गुड डे।